Hello everyone, I'm your educator Namit Kumari. Welcomes you all on my channel Commerce Hurricanes. As you know that we are doing chapter features, problems and policies of agriculture. In this we have already done the importance of agriculture, and today we are going to discuss about the features of Indian agriculture. Means agriculture ki India mein kya khasiyat hai, kya khas baatein hain usme. तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं लो प्रोडक्टिविटी. देखिए इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो लो है. लो प्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इरिगेशन की उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो डाउन होता जा रहा है. दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है. और प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से देखा जाता है, एक एकड़ ऑफ लैंड जो होता है उस पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम काउंट करते हैं, तब पता लगता है कि प्रोडक्शन अप है या लो. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इंडिया हैज़ लो राइस, लो व्हीट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, राइट. सो नेक्स्ट फीचर जो आता है हमारे पास कि इंडिया के एग्रीकल्चर में दूसरी क्या बात है जो कि खास है या चिंताजनक है, जिसे हम कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड को हम एक और वर्ड से बोल सकते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. डिस्गाइज्ड मीन्स हिडन. व्हाट हैपन हियर, यहाँ पर लोग एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं. अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? देखिए कैसे पॉसिबल है कि सपोज करते हैं एक लैंड है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, एक ही फैमिली के सपोज 10 लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन एक एकड़ के अंदर क्या 10 लोगों की ज़रूरत है? आप खुद सोचिए, एक एकड़ लैंड जो है उसके अंदर 10 पीपल की नीड नहीं है, फिर भी वो 10 के 10 लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं, वो किसी और जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस ही नहीं कर रहे. तो इससे क्या होगा कि एक्चुअली में वो एम्प्लॉयड तो हैं, वो काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन देखा जाए तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ज़रूरत अगर सिर्फ 5 लोगों की थी तो 5 लोग एक्स्ट्रा हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ऐसी बेरोजगारी जो छुपी हुई है, नज़र नहीं आ रही. ठीक है, यही हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर है. ठीक है, नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल. आप सबको पता है इंडिया में या इवन कहीं पर भी एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेनफॉल. नेचुरल रेन ज़रूरी है. देखिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो बहुत है लेकिन जो बात नेचुरल रेनफॉल में होती है वो कहीं नहीं होती. अब यहाँ पर क्या है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग रेन्स प्रॉपर नहीं हो रही है, बारिश प्रॉपर ना होने की वजह से प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है इरिगेशन की, और जिसकी वजह से हम टोटली रेनफॉल पर डिपेंड हो जाते हैं और हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है. क्योंकि रेन नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि क्रॉप्स भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे. नेक्स्ट आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस का मतलब होता है ये ऐसी फार्मिंग है जिसमें आप खेती सिर्फ अपने जीने के लिए करते हो. मतलब कि जितनी भी क्रॉप्स उगी है ना, उन सभी क्रॉप्स को आप खुद ही कंज्यूम कर लेते हो, आप उसे मार्केट में बेचने नहीं जाते. क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं इंडिया में जिनके पास जो लैंड है वो बहुत छोटी है, थोड़ी सी लैंड के ऊपर थोड़ा सा ही एग्रीकल्चर वो कर पाते हैं, और जितना भी एग्रीकल्चर होता है वो उसी को कंजम्पशन कर लेते हैं, मार्केट में बेचने के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं है. तो जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा है. ठीक है, खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, मार्केट में बेचने के लिए सामान नहीं आता. नेक्स्ट जो बात है इसमें दैट इज़ लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. इनपुट्स का मतलब होता है कि प्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि सीड, यूनिट फर्टिलाइजर्स, यूनिट पेस्टिसाइड्स. बट हमारी कंट्री में जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ये हाई क्वालिटी के नहीं हैं, जिनकी वजह से हमारे इनपुट्स अच्छे नहीं होते. अगर आपके इनपुट्स अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपकी क्रॉप्स भी अच्छी नहीं होगी, और दूसरी बात रेनफॉल भी प्रॉपर नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली आपकी क्रॉप्स और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी. तो हम इसीलिए कहते हैं कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्न इनपुट्स ना होने के कारण पिछड़ा हुआ है, मीन्स बैकवर्ड है. नेक्स्ट आता है स्मॉल होल्डिंग. स्मॉल होल्डिंग का मतलब देखिए क्या होता है. सपोज करते हैं ये एक बड़ा सा लैंड का टुकड़ा है जिस पर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो. ठीक है, आपने क्या किया, इसके इस बड़े से लैंड में यहाँ कुछ उगा लिया, यहाँ पर कुछ उगा लिया, और जो भी आपके पास हुआ आपने उसको बेच दिया. ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लैंड आपका था. लेकिन जैसे जैसे हमारे आगे जनरेशन्स आती जाती हैं, हम इस लैंड को उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं. सपोज़ करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब हम आए तो हमारा लैंड जो इतना बड़ा था अब वो काफ़ी हिस्सों में बढ़ चुका है.
ठीक है, उसके काफ़ी सारे पोर्शंस हो चुके हैं, एक सन का ये है, दूसरे सन को ये दे दिया, तीसरे को ये दे दिया। अब आप ये बात सोचिए, इतने छोटे से लैंड पर आप कितना एग्रीकल्चर कर लोगे? बहुत कम। आप इतने से लैंड पर कितना एग्रीकल्चर कर लोगे? क्या आप इसके जितना प्रोडक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इसी का मतलब है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है आजकल, वो स्मॉल होल्डिंग है। होल्डिंग मतलब कि लोगों के पास जो एरिया है फील्ड का, वो बहुत थोड़ा है, स्मॉल। ये देखिए, छोटे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पर वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो जितना स्मॉल एरिया होगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन उतना ही कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड मतलब ज़मीन का मालिक, टेनेंट यानी जो उसको किराए पे उस पर कल्टिवेशन कर रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा। देखिए, ज़मींदार और उसके ऊपर अंदर काम करने वाले जो दोनों लोग हैं, उनमें हमेशा झगड़ा रहता है। ज़मींदार की ज़मीन होती है, वो सारी की सारी ज़मीन क्या करता है, आगे ठेके पे दे देता है। ठीक है, यानी टेनेंट को दे देता है कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करो, और जब क्रॉप्स उग जाएंगे उसको मार्केट में बेचेंगे, और मैं उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखूँगा, कुछ तुम्हें दूंगा। ठीक है, लेकिन इंडिया की दिक्कत ये है कि यहाँ पर ज़मींदारी ज़्यादा है, जिस वजह से जो ज़्यादा मार्जिन है सामान बेचने के बाद, जो ज़्यादा प्रॉफिट आया, वो कौन रख लेता है? वो रख लेता है लैंडलॉर्ड। ठीक है, और बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही टेनेंट को दिया जाता है। जिसने पूरी मेहनत मजदूरी करके क्रॉप्स को उगाया, उसी को कम पैसा दिया गया, और जिसकी ज़मीन थी उसने पूरी एग्रीकल्चर सेल का बड़ा पोर्शन अपने पास रख लिया। तो आप बताइए, क्या उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा? ऑब्वियसली उनमें झगड़ा बढ़ेगा। ये चाहेगा कि अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे ज़्यादा पैसा मिले, और ये सोचता है कि ज़मीन मेरी है तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इंडिया में क्रिएट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव का मतलब होता है ट्रेडिशनल या ओल्ड। इंडिया में आज भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। मींस अभी भी हमारे पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, अच्छे हमारे पास ट्रैक्टर्स वगैरह, मतलब हर किसान के पास ये चीज़ नहीं है। जो बड़े किसान हैं, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है और जो बहुत रिच हैं, वो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास लेटेस्ट है। बट 90% जो हम कहेंगे एग्रीकल्चर में लोग हैं, वो मिडिल या पुअर क्लास के लोग हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो क्रॉप्स भी अच्छे नहीं होंगे, क्रॉप्स अच्छे नहीं होंगे तो मार्केट में अच्छी प्रोडक्शन नहीं आ पाएगी, और जिसकी वजह से अच्छी सेल नहीं होगी, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ खासियत है हमारे इंडियन कल्चर की, एग्रीकल्चर की, और इन्हीं की वजह से इंडिया का जो किसान है, किसान परेशान होकर सुसाइड करते हैं, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो उसको ऊपर नहीं उठने देती, उसको इनकम नहीं होने देती। तो हमारी कंट्री के गवर्नमेंट को चाहिए, इसीलिए जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा साथ देती है, क्योंकि उनको पता है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।